आज दिनांक 3 अप्रैल को मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं जो घूम रहे हैं। उस पर जब इन लोगों को हिरासत में लेकर के जब इनसे पूछताछ की गई और जब इनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तब इन लोगों ये टोटल 5 लोग थे जो हमारी हिरासत में आए हैं। और इनका नाम है अजमत पुत्र तैयब, जो दूसरा व्यक्ति है इसका नाम है माजिद, तीसरे व्यक्ति का नाम है फैसल शिबू, और पांचवा जो व्यक्ति था वो संजय था। जब इन लोगों से डिटेल में पूछताछ की गई तो इंटरोगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि अजमत, माजिद, फैसल और शिबू ये चारों जनपद सीतापुर थाना तंबौर के रहने वाले हैं और ये अभ्यस्त अपराधी हैं। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं और पूर्व में भी इनका लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास रहा है। एक चोरी की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था जिसके बाबत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसका सफल अनावरण हुआ। इसके अतिरिक्त इनसे जब डिटेल में पूछताछ की गई तो इन्होंने 4 और चोरी की घटना का खुलासा किया है जो इनके द्वारा कारित किया गया था। 2 चोरियां जनपद मड़ियाओं में हुई हैं, एक लखीमपुर की थाना चौक में चोरी हुई थी, उसका इन लोगों ने उसका 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 इकबाल इन लोगों ने किया है, उन चोरियों का इकबाल किया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी ये लोग अलग अलग समय पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से ये चोरी में और मिल जा चुके हैं। इसमें से जो माजिद है, गैंगस्टर की कार्रवाई भी पूर्व में हो चुकी है, और ये जो फैसल है इसके विरुद्ध थाना ठाकुरगंज में 9 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत थे। ये सभी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका लंबा चौड़ा एक आपराधिक इतिहास रहा है और ये सब छात्र के अपराधी हैं। आज इनको जिस टीम ने, जो क्राइम टीम और जो थाने की जो टीम है, इसने अच्छा काम किया है और इसलिए हमारी तरफ से इनको, इस टीम को 10,000 इनाम दिया जा रहा है।